हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एंड इन्फो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस बार आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में होने जा रहा है 19 सितंबर से। तो दोस्तों, उसी के मद्देनज़र आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल इतिहास के उन 10 महान बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने आईपीएल में रनों का अंबार लगाया है, या यूं कहे आईपीएल के इतिहास में उन्होंने अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवाया। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल इतिहास के उन 10 महान बल्लेबाजों की जो आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। तो दोस्तों, नंबर एक में आते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली। विराट कोहली की बात करें तो कोहली ने आईपीएल के 177 मैचों में 37.84 की शानदार औसत से 5,412 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक व 36 अर्धशतक भी शामिल हैं, जबकि उनका बेस्ट स्कोर 113 रन है। इसी के साथ विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में नंबर एक पर है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर दो बल्लेबाज की। तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज सुरेश रैना का नाम आता है। सुरेश रैना ने आईपीएल के कुल 193 मैचों में 33.34 की शानदार औसत से 5,368 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक व 38 अर्धशतक भी शामिल है, जबकि उनका बेस्ट स्कोर 100 रन है। आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में सुरेश रैना नंबर दो में है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर तीन बल्लेबाज की। तो यहाँ मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का नाम आता है। रोहित शर्मा ने आईपीएल के कुल 188 मैचों में 31.6 की औसत से 4,898 रन बनाए, जिसमें 1 शतक व 36 अर्धशतक भी शामिल है, जबकि उनका बेस्ट स्कोर 109 रन है। आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा नंबर तीन में आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर चार बल्लेबाज की। तो यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर का नाम आता है। डेविड वार्नर ने आईपीएल में कुल 126 मुकाबले खेले, जिसमें 43.47 की बड़ी जबरदस्त औसत से कुल 4,706 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक व 44 अर्धशतक भी शामिल है, जबकि उनका बेस्ट स्कोर 126 रन है। आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में डेविड वार्नर नंबर चार में आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर पाँच बैट्समैन की। तो यहाँ दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का नाम आता है। शिखर धवन ने आईपीएल में कुल 159 मैच खेले, जिसमें 33.42 की जबरदस्त औसत से शिखर ने 4,579 रन बनाए हैं, जिसमें 37 अर्धशतक भी शामिल हैं, जबकि उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 97 रन का है। आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में शिखर नंबर पाँच में आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर छः बल्लेबाज की। तो यहाँ किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम आता है। क्रिस गेल ने आईपीएल के 125 मैचों में 4,484 रन बनाए हैं, जबकि उनका औसत 41.13 का है। आईपीएल में उनके नाम 6 शतक व 28 अर्धशतक भी है, जबकि उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 175 रन है। क्रिस गेल आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 6 में आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 7 बल्लेबाज की। तो नंबर 7 में आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने आईपीएल में कुल 190 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 42.2 की बड़ी ही जबरदस्त औसत से 4,432 रन बनाए हैं, जिनमें 23 अर्धशतक भी शामिल हैं, जबकि धोनी का बेस्ट स्कोर नाबाद 84 रन है। धोनी आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 7 में आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 8 बल्लेबाज की। तो यहाँ रॉबिन उथप्पा का नाम आता है। रॉबिन उथप्पा ने आईपीएल में कुल 177 मैच खेले, जिनमें 28.83 की औसत से उन्होंने 4,411 रन बनाए, जिनमें 24 अर्धशतक भी शामिल हैं, जबकि उनका बेस्ट स्कोर 87 रन है। आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में रॉबिन उथप्पा नंबर 8 में आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 9 बल्लेबाज की। तो यहाँ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के विस्फोटक बल्लेबाज एबी डी विलियर्स का नाम आता है। एबी ने आईपीएल में कुल 154 मैच खेले हैं, जिनमें 39.95 की बड़ी ही जबरदस्त औसत से 4,395 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शानदार शतक और 33 अर्धशतक भी शामिल हैं, जबकि उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 133 रन है।
ये भी आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में नंबर 9 में आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 10 बल्लेबाज की, तो यहाँ गौतम गंभीर का नाम आता है। गौतम गंभीर ने आईपीएल के कुल 154 मुकाबले में 31.23 की शानदार औसत से 4,217 रन बनाए, जिसमें 36 अर्धशतक भी शामिल है। उनका बेस्ट स्कोर 93 रन है। आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में गंभीर नंबर 10 में आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं क्रिकेट जगत से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कि कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ऐसा कौन सा गेंदबाज है जिसने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का कारनामा किया तेज गेंदबाजों में? ए मिचेल स्टार्क, बी जेम्स एंडरसन, सी टीम साउथी, डी ईशांत शर्मा। और इसका सही आंसर है बी जेम्स एंडरसन, 600 विकेट। तो दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो से जुड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।